नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आप एमएलए अमानतुल्लाह का ओखला थाने में सरेंडर, बोले चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश रच रहे हैं साजिश। नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में एफआईआर में नामजद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान बुधवार को सरेंडर करने ओखला थाने पहुँचे। अमानतुल्लाह को दिल्ली पुलिस आपके दूसरे प्रकाश जरवाल के साथ कोर्ट में पेश कर सकती है। ओखला थाने में सरेंडर करने से पहले अमानतुल्लाह ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं थाने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दबाव में हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। ओखला से पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी बीजेपी के इशारे पर साजिश रच रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। उस बैठक में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को पीटा नहीं गया, बीजेपी लगातार साजिश कर रही है, हम डरेंगे नहीं क्योंकि जनता हमारे साथ है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने आप विधायक प्रकाश जरवाल को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जरवाल को उनके देवली स्थित घर से हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनसे सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के ही अन्य विधायक अमानतुल्ला खान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। मंगलवार देर रात पुलिस टीम उनके आवास के बाहर तैनात देखी गई। इस मामले में पुलिस आज दोपहर 1 बजे प्रकाश को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पेश करेगी। वहीं पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन से भी पूछताछ की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में गृह सचिव से मुलाकात की है। वहीं आईएएस एसोसिएशन और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबॉर्डिनेट सर्विसेज दास कैडर एसोसिएशन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का वक्त मांगा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर अधिकारी आगे की कोई रणनीति बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।